दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी उम्र 80 से 90 साल होती है? बहुत कम। हदीस में आते हैं आमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70, रेशो जो है मेरी उम्मत की वो 60 से 70 साल की है। लेकिन किस कदर इंसान अजीम इनाम हासिल करता है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में एक रात रखी है जिसको लैलतुल कदर कहते हैं। रात एक है लेकिन अगर उसकी इबादत इंसान कर ले तो 83 साल 4 महीनों की इबादत से अफजल इबादत का अजर उसे मिल रहा है। इस रात को तलाश करने की कुछ निशानियां भी हैं। सबसे पहली निशानी ये है कि लैलतुल कदर की रात में वो रात बड़ी ही पुरसकून होती है, उसमें शोर व शगफ नहीं होता। दूसरी निशानी यह है कि वो रात आम रातों के निस्बत ठंडी रात होती है, लेकिन उसमें कोई आंधी या इस तरह की चीजें नहीं होती, बड़ी पुरसकून रात होती है। तीसरी निशानी उस रात में रोशनियां होती हैं, लेकिन आजकल के माहौल में इसका अंदाजा मैं और आप नहीं कर सकते जहां बल्ब और इस तरह की चीजें हैं। वो जगह जहां कोई भी लाइट का बंदोबस्त नहीं, इसका नज़ारा वहां किया जा सकता है कि फरिश्तों के नुज़ूल की वजह से अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने जमीन पे कैसी रोशनी की। इसकी चौथी निशानी यह है ना, ये रात सख्त गर्मी में भी इतनी गर्म नहीं होती और ना ही ठंडी होती है। तलका, बड़ी खुली फिजा, जैसे इंसान जाता है तो किस तरह महसूस करता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इस रात को रखा है। इसकी पांचवीं निशानी यह है, जैसा कि बाज़ सहाबा को ख्वाब में दिखा दिया गया, कुछ नेक लोगों को अल्लाह ख्वाब में दिखा भी सकते हैं कि फला रात ये लैलतुल कदर की रात है और अच्छे ख्वाब ये मुबश्शिरात में से हैं, वही तो ख़त्म होगी है, अच्छे ख्वाब बाकी रह गए हैं। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि इस रात में जो क़याम करता है, जो लज्जत उस रात उसे महसूस होती है वो दूसरी रातों में महसूस नहीं होती। लैलतुल कदर की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि जब अगले दिन सूरज निकलता है तो उसकी श्वाएं उतनी तेज नहीं होती। हाँ, सूरज की श्वाएं तो होती है, लेकिन जो श्वा के अंदर तपश होती है वो सूरज की श्वाएं इस तरह उसकी नहीं होती, बिल्कुल साफिया होती है, बिल्कुल साफ होती हैं। लैसत का आदत ही है फी बकियतिल अय्याम, आम हालत में इस तरह नहीं होती। इसकी निशानियों में एक निशानी यह भी है कि सूरज जब दूसरे दिन निकलता है, हमरा दईफा जोबन के साथ सूरज नहीं निकलता, उसकी रंगत सुर्ख होती है और कमजोर वो जोबन होता है, इससे भी पहचाना जा सकता है कि ये रात लैलतुल कदर की है जो इससे पहले गुजर चुकी है। अल्लाह जलाल इस रात की तलाश की हमें तौफीक अता फरमाए।